सो आज का हमारा टॉपिक है हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हम ये प्रूव करेंगे साइन ए ऑफ हाफ दिस एस माइनस बी एस माइनस ए डिवाइडेड ओवर बी सी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, नो नेगेटिव स्क्वायर रूट। सो कॉस ए बाय टू इज़ एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। सिमिलरली टेन ए बाय टू इज दिस, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। सो इफ वी हैव अ ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी हुज साइड्स आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली अपोजिट टू एंगल्स द एंगल्स ए बी एंड सी respectively. So we will start from cosine formula. तो हमें पता है cos a होता है b square plus c square minus a square divided over 2bc. This is cosine formula. So cos a को half में convert करना है, half angle में, यहाँ पर full angle है. So हमें पता है cos a is 1 minus 2 sin square a by 2. So replace cos a by 1 minus 2 sin square a by 2 in this equation. So ये बन जाएगा, और जो right side में b square plus c square minus a square divided by 2bc रहेगा. So ये बन जाएगा तो ये मन वन इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का. सो दिस इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बी सी माइनस वन. सो टेक द एलसीएम, सो एलसीएम टू बी सी आएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू बी सी. सो हम ये माइनस है दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये बन जाएगा और टू साइन स्क्वायर ए बाई टू एंड दिस इज माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू बी सी डिवाइडेड बाय टू बी सी, ये हो जाएगा. सो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और जो लास्ट टर्म है वो b, अगर इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास b माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा. सो माइनस हम कॉमन लेंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस टू बी सी और a स्क्वायर पीछे रह जाएगा. सो दिस ये बन जाएगा, सो ये बन जाएगा माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बी सी. ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी. सो ए माइनस सी दिस इज ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय टू बी सी. सो ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस बी प्लस सी ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय टू बी सी. सो हमें s के टर्म्स में लेके आना है. तो अगर यहाँ पे a प्लस सी माइनस बी जो हमारे ऊपर वाले पहले टर्म है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2s माइनस बी 2b. उसी तरीके से a प्लस बी माइनस सी को हम लिख सकते हैं 2s माइनस 2c. तो इस टर्म और इस टर्म की जगह ये और ये रिप्लेस कर देंगे. सो दिस इज 2s माइनस 2b एंड दिस इज 2s माइनस 2c डिवाइडेड बाय 2bc. और लेफ्ट साइड में था हमारा 2 साइन स्क्वायर a बाय 2. सो टू कॉमन आ जाएगा 2 इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड ओवर 2bc एंड दिस इज 2 साइन स्क्वायर ए बाय.
सो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, इस टू से ये इस टू कैंसिल हो जाएगा। सो साइन ए बाय टू, हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड दिस इज बी सी। प्लस माइनस का साइन आएगा लेकिन हम प्लस कंसिडर करेंगे बिकॉज ट्राइंगल में कोई भी एंगल 180 से छोटा होता है। कैसे भी अगर हमारे पास ट्राइंगल हो, जब इसका हाफ करेंगे तो हमेशा 90 से छोटा होगा। मीन्स ए बाय टू इन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सो दिस इज फिर प्लस साइन, सो ये साइन आ गया। उसी तरीके से हम प्रूव करेंगे कोस ए बाय टू। सो अगेन यूजिंग द कोसाइन फॉर्मूला, कोस ऑफ ए होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बी सी। अब इसको कोस के टर्म्स में, कोस टू ए का फॉर्मूला हमारे पास होता है टू कोस स्क्वायर, कोस टू ए होता है कोस स्क्वायर ए माइनस वन, यहाँ एंगल ए है तो इसका हाफ हो जाएगा। सो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बी सी। सो ये माइनस का वन है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू बी सी प्लस वन। सो टेक द एलसीएम इन राइट हैंड साइड, एलसीएम आएगा टू बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू बी सी। सो फर्स्ट टर्म सेकेंड और लास्ट टर्म को जब एक साथ रखेंगे तो हमारे पास बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी इन टू ए प्लस डी बन जाएगा। सो ये बन जाएगा बी प्लस सी माइनस ए और बी प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड ओवर टू बी सी। ठीक है, सो बी प्लस सी माइनस ए को मैं लिख सकता हूँ टू एस माइनस टू ए। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या था, टू एस था ए प्लस बी प्लस सी था, सो इसकी जगह पे और इसकी जगह पे ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में। सो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास टू कोस स्क्वायर ए बाई टू ही था, राइट साइड में बी प्लस सी माइनस ए की जगह हम पुट कर देंगे टू एस माइनस टू ए, टू एस माइनस टू ए, और ये बी प्लस सी प्लस ए इज ट्वाइस ऑफ एस डिवाइडेड ओवर टू बी सी। सो टू एक टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, अगले स्टेप में ये कॉमन ले लेंगे टू, सो एस माइनस ए एस ओवर बी सी, टू से टू कैंसिल हो गया। सिमिलरली कोस ए बाय टू हमारे पास प्लस साइन के साथ आएगा क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि किसी भी ट्राइंगल में कोई भी एंगल 180 से छोटा होता है, सो ए बाय टू हमारा 90 से छोटा हो जाएगा। सो ए बाय टू किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। सिमिलरली हमारे पास कोस की वैल्यू ये आ गई, साइन की वैल्यू क्या थी, साइन ए बाय टू हमारे पास एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड ओवर बी सी का स्क्वायर। सो टेन ए बाय टू हमारे पास आ जाएगा साइन ए बाय टू बाय कोस ए बाय टू, दोनों को डिवाइड कर दें। सो डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचेगा एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड ओवर एस इंटू एस माइनस ए का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। सो ये हमारे पास कोस का हाफ एंगल का फॉर्मूला, ये साइन का और ये टेन का। उसी तरीके से अगर हमारे पास साइन ए होता है, साइन टू ए इज टू साइन ए कोस ए, तो यहाँ पे एंगल ए है तो एंगल हाफ हो जाएगा। सो साइन ए बाई टू हमने निकाला है और कोस ए बाई टू, यही इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। सो टू मल्टीप्लाई बाय साइन ए बाई टू हमारे पास एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड ओवर
बी सी एंड दिस इज कोस इज एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड ओवर बी सी। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी दोनों में है बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर बी सी की पावर हाफ, बी सी की पावर हाफ वन बन जाएगा। सो ये स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो ये हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो साइड्स आर ए बी सी। सो साइन ए इज इक्वल टू टू बाय बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डिनोटेड बाय डेल्टा। सो डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास हाफ ऑफ बी सी साइन ए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमारे पास बी सी साइड हो, बी और सी हो और उनके बीच में एंगल पता हो। सिमिलरली हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए बी साइन सी। सिमिलरली हाफ ऑफ ए सी साइन बी, ये भी क्या होंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल होंगे। तीनों फॉर्मूला हमने ऑब्टेन कर लिए।